हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हेमा जोशी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाटर मिलन का फेशियल। वाटर मिलन का फेशियल करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे दूध, एक चम्मच दूध। ये मेरा फ्रिज का ठंडा दूध है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो वो और भी बेटर रिजल्ट आपको देगा। तो फ्रेंड्स, में हमने डाल दिया है एक चम्मच दूध और एक चम्मच वाटर मिलन जूस। इसे अपने चेहरे पर कॉटन बॉल की सहायता से अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। तो फेशियल का सबसे पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है। तो फ्रेंड्स, क्लींजिंग ये कॉटन बॉल की सहायता से अच्छे से हम अपना फेस क्लीन कर लेंगे। क्लींजिंग करने से हमारे फेस से धूल और हमारे फेस से जितने भी डेड स्किन है, हमारी स्किन नरिशिंग हो जाती है। हमारी स्किन फेशियल के लिए एकदम तैयार हो जाती है। दूध में होता है लैक्टो एसिड, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे को अच्छे से कर लिया है क्लीन। अब हम फेशियल का सेकेंड स्टेप करेंगे, स्क्रब। स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पे सौंफ को दरदरा पीस लिया है और इसमें मैंने चीनी भी पीसी हुई है। और इसको मैं डालूँगी बाउल में और डालूँगी इसमें एक चम्मच वाटर मिलन जूस। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इससे मैं स्क्रब कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, स्क्रब हमें हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना है, नहीं तो हमारी स्किन अच्छी के बजाय बिगड़ जाएगी, हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। स्क्रब जब भी करें हल्के हाथों से ही करें, ज़्यादा ताकत से ना करें स्क्रब। हाथों को अपना हल्का ही रखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से करें स्क्रब। सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक करना है स्क्रब। 5 मिनट बाद अपने चेहरे को पानी से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने स्क्रब कर लिया है और चेहरे को कर लिया वॉश। अब मैं बनाऊंगी फेशियल का थर्ड स्टेप, मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बनाने के लिए मैंने एक बाउल में फिर से वाटर मिलन जूस ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच हनी। ये मैंने पतंजलि का हनी लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चंदन, पतंजलि का चंदन वाला एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है, हर चीज़ हमने ठंडी ठंडी ले रखी। वाटर मिलन भी गर्मियों के सीजन में काफ़ी हद तक हमारे चेहरे के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और जो मैंने एलोवेरा जेल लिया पतंजलि का, इसमें भी चंदन रहता है, जो हमारे स्किन को ठंडक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं 5 मिनट तक मसाज करूँगी सर्कुलर मोशन में और प्रेशर पॉइंट भी दबाऊँगी। फॉरहेड पर अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें और चीक्स पर सर्कुलर मोशन में। लिप्स पर दबाने आपको प्रेशर पॉइंट, नोज पे, आईज पे, आईब्रो पे, आईब्रो जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे, बैक पे, कान के पीछे और चिन पे। फ्रेंड्स, प्रेशर पॉइंट दबाने से हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो बाहर निकल के आता है। आप जब भी फेशियल करें तो प्रेशर पॉइंट दबाना मत भूलिएगा। अब 5 मिनट तक हम मसाज करने के बाद बनाएंगे, इसी के ऊपर मैं पैक लगाऊंगी। पैक बनाने के लिए एक कांच का बाउल लूंगी फिर से।
मसाज मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में भी किए ऐसे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेसन, फिर इसमें मैं डालूंगी दही। दही अगर आपकी ज़्यादा खट्टी हो तो और भी फायदेमंद रहती है। अब मैं डालूंगी इसमें वाटरमेलन जूस। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा के छोड़ दूंगी। 15 मिनट बाद ये सूख जाएगा तो मैं ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, ब्रश की सहायता से मैंने इसे 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा लिया है। कुछ इस प्रकार से। तो इसके जो आप लेयर लगाओगे चेहरे पे, गाढ़ा ही लगाएं, पतला पतला ना लगाएं। और जब ये सूख जाएगा तो आप इसे हल्के हाथों में पानी लेके स्क्रब करते हुए, मसाज करते हुए ही निकालें, डायरेक्ट पानी से ना धोएं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, मेरा फेस पैक सूख चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे कर लूँगी वॉश। मैंने फेस को कर लिया है वॉश और मेरी स्किन काफ़ी हद तक ग्लोइंग हो चुकी है। और जो मेरे स्किन में डलनेस सी आ गई थी धूप की वजह से, और इस फेसियल से मेरा फेस रिफ्रेश हो चुका। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीजन है तो आप हफ्ते में एक बार इस फेसियल को ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन